टिप नंबर 1, अगर मसाले में दही डालना हो तो पहले से उसे अच्छी तरह से फेंट लें और फिर धीरे धीरे मसाले में डालें। इससे आपकी सब्जी देखने में और खाने में बहुत टेस्टी बनेगी। टिप नंबर 2, पकौड़ों को टेस्टी बनाना है तो इसका मिश्रण तैयार करते समय दूध मिला लें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि नमक दूध के बाद ही मिलाएं, इससे पकौड़े क्रिस्पी बनते हैं। टिप नंबर 3, ग्रेवी को गाढ़ा बनाने के लिए क्रीम की जगह फूल को स्टीम करके और प्यूरी बना के डालें। हाई फैट फ्लेम क्रीम की जगह करने से डिश हल्की और हेल्दी होती है। टिप नंबर 4, पनीर को एक बर्तन में पानी भरकर रखें, इससे पनीर ताजा बना रहता है और पानी को कुछ घंटों में बदलते रहें। टिप नंबर 5, दाल बनाते समय उसमें एक चुटकी भर हल्दी और 4 से 5 बूंदे बादाम के तेल की डाल दें, दाल टेस्टी बनती है। टिप नंबर 6, ग्रेवी को टेस्टी बनाने के लिए ऑयल की बजाय घी का इस्तेमाल करें। ऑयल के इस्तेमाल से सब्जी का कलर अच्छा नहीं आता है जितना घी के इस्तेमाल से आता है। टिप नंबर 7, पनीर को चिपकने से रोकने के लिए इसमें थोड़ा सा तेल लगा कर रख दें, इससे पनीर का चिपकना कम हो जाता है। टिप नंबर 8, अगर आपको खीर या कुल्फी बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स को काट कर इस्तेमाल करना है लेकिन इसे काटने में आपको परेशानी होती है तो 1 घंटे पहले इन्हें फ्रिज में रख दें, फ्रिज से निकाल कर इन्हें आसानी से काट सकते हैं। टिप नंबर 9, पिसे हुए मसालों को हमेशा धीमी आंच पर पकाएं, इससे रंग और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टिप नंबर 10, ग्रेवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाएं, इससे ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। टिप नंबर 11, जब टमाटर का सीजन ना हो तो ग्रेवी में टोमेटो केचप या सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। टिप नंबर 12, पूड़ियां खस्ता बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें 1 चम्मच सूजी या चावल का आटा मिला दें, इससे पूड़ियां बहुत खस्ता बनती हैं और खाने में बहुत लाजवाब लगती हैं। टिप नंबर 13, सब्जियों को जितना हो सके उतना पतला छिलका निकालने की कोशिश करें। टिप नंबर 14, आपका दही टाइट नहीं जमता है तो उसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल दीजिए, इससे दही बहुत गाढ़ा जमेगा। टिप नंबर 15, मक्खन बनाते वक्त 1 चम्मच नमक या मिश्री डालकर फेंटे तो मक्खन ज्यादा मात्रा में और जल्दी निकलता है। टिप नंबर 16, दही वाली ग्रेवी की सब्जियों में नमक उबाल आने के बाद ही डालें, इससे दही फटेगी नहीं और ग्रेवी को मध्यम आंच पर ही पकाएं, इससे ग्रेवी स्वादिष्ट बनती है। टिप नंबर 17, आलू उबालते वक्त इसका पानी ना फेंकें, इसे पौधों में इस्तेमाल करें। टिप नंबर 18, वैसे तो चॉपिंग बोर्ड की नियमित सफाई जरूरी है लेकिन बरसात के मौसम में इसकी सफाई अधिक जरूरी हो जाती है, ऐसे मौसम में चॉपिंग बोर्ड को नींबू और बेकिंग सोडा के साथ साफ करें ताकि। 19, अगर किचन में कॉकरोच हो तो 2 चम्मच आटे में 2 चम्मच बोरिक एसिड और 1 चम्मच चीनी मिलाकर पानी से आटा गूंथ लीजिए और छोटी छोटी गोल बॉल्स बना लीजिए, वे जहाँ पे भी कॉकरोच हैं वहाँ इसे रख दें, कॉकरोच आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। टिप नंबर 20, स्टील के बर्तनों से जंग हटाने में बेकिंग सोडा और सिरका काफी मददगार साबित होता है। ऊपर से तो स्टील के बर्तन हम रगड़ रगड़ कर साफ कर लेते हैं पर नीचे से वे गंदे रह जाते हैं, इसलिए उसको साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा और सिरके से साफ कर लीजिए, ये बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। टिप नंबर 21, पकौड़ों को सर्व करते समय इन पर चाट मसाला छिड़कें, इससे वे अधिक टेस्टी लगते हैं। टिप नंबर 22, मैदे या आटे के बने पदार्थों को खस्ता बनाने के लिए खाने के सोडे का उपयोग ना करें, यह खाद्य पदार्थों में मौजूद विटामिन्स को नष्ट कर देता है, सोडा डालने से ये पदार्थ तेल ज्यादा पीते हैं। टिप नंबर 23, दूध फटने का आभास हो रहा हो तो उसमें 1 चम्मच पानी और 1/2 चम्मच खाने का सोडा मिलाकर उबाल दें, इससे दूध फटता नहीं है। टिप नंबर 24, जिससे चटनी का हरा रंग बरकरार रहता है इसके लिए आप उसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं चटनी में या फिर आप मूंगफली डालकर पीस सकते हैं, इससे चटनी बिल्कुल हरी रहती है। टिप नंबर 25, 1 कप नारियल पानी में 2 ब्रेड और 1 चम्मच चीनी डालकर ब्लेंड कर लें, इससे इडली का घोल में खमीर अच्छा उठता है। टिप नंबर 26, तंदूरी चपाती को नरम बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें थोड़ा सा दही मिला दें और गुनगुने पानी से आटा लगाएं, तंदूरी चपाती सॉफ्ट और क्रिस्पी बनती है। टिप नंबर 27, पराठों को टेस्टी बनाने के लिए आटे में उबला हुआ आलू मिलाएं, इससे पराठे बहुत ज्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट बनते हैं।
फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप उसको सबसे पहले देख सकें। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं।